ओके सो हे गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल सेलेन। दोस्तों, यदि आप लोगों ने 31 दिसंबर से पहले श्रम कार्ड के लिए अप्लाई कर चुके हैं तो आपके अकाउंट में गवर्नमेंट की तरफ से 1000 रुपये क्रेडिट कर दिए गए हैं। काफ़ी लोगों के अकाउंट में क्रेडिट किया गया है, काफ़ी लोगों के अकाउंट में क्रेडिट नहीं किया गया है। लेकिन जिनके अकाउंट में क्रेडिट किया गया है वो कैसे चेक कर सकते हैं कि हमारे अकाउंट में 1000 रुपये का पहली किस्त आया है या फिर नहीं आया है, क्योंकि चेक करने में काफ़ी सारे प्रॉब्लम आ रहा है। क्योंकि जब भी हम PFMS वेबसाइट के माध्यम से यदि हम अपने अकाउंट में चेक कर रहे हैं कि हमारे अकाउंट में पैसे आया है या फिर नहीं आया है, तो हमें यहाँ पे नो रिकॉर्ड फाउंड की प्रॉब्लम आ रहा है। तो आप लोग कैसे चेक कर सकते हैं, सिंपल गूगल क्रोम ओपन करना है और यहाँ पे सर्च बार में सर्च कर लेना है PFMS। आपके सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेयर देखने को मिल जाएंगे। तो आप लोगों को फर्स्ट वाले लिंक पर क्लिक करना है, आपको नीचे की तरफ करना है, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादातर जो प्रॉब्लम आ रहा है, नो योर पेमेंट पे जो भी क्लिक कर रहा है तो उन लोगों को मोबाइल नंबर रजिस्ट्रेशन नहीं है बता रहा है, या फिर नो रिकॉर्ड की प्रॉब्लम आ रहा है। तो सिंपल आप लोगों को क्या करना है, नो योर पेमेंट पे क्लिक नहीं करना है, क्योंकि ये जो है अलग योजना के लिए होता है, क्योंकि ई श्रम कार्ड योजना के लिए नहीं है। अगर ई श्रम कार्ड योजना के पैसे चेक करना है तो आप लोगों को ट्रैक NSP पेमेंट पे क्लिक करना है। पेमेंट पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे बैंक सेलेक्ट करना है। जैसे आप टाइप करेंगे, सबसे पहले मैं टाइप कर लेता हूँ, आप लोग यहाँ पे बैंक सेलेक्ट कर लेना है जो भी बैंक आपने ई श्रम कार्ड बनाते समय दिए हैं। इसके बाद आप लोग को यहाँ पे अकाउंट नंबर टाइप करना है, तो मैं अकाउंट नंबर भी टाइप कर देता हूँ। इसके बाद आप लोग को यहाँ पे देख सकते हो जो कैप्चर दिख रहा है, कैप्चर आपको फिल करना है। तो देख सकते मैंने यहाँ पे बैंक भी सेलेक्ट कर लिया और अकाउंट नंबर भी टाइप कर दिया, उसके बाद कैप्चर फिल कर लिया। उसके बाद सर्च पे क्लिक करेंगे। जैसे ही सर्च पे क्लिक करेंगे, यदि सॉरी मैंने यहाँ पे कैप्चर गलत डाल दिया था, तो मैंने यहाँ पे कैप्चर फिर से फिल किया, उस पर सर्च पे क्लिक करता हूँ। तो सर्च पे क्लिक करने के बाद जैसे यदि आपके अकाउंट में गवर्नमेंट की तरफ से ई श्रम कार्ड की पहली किस्त 1000 रुपये आए होंगे, तो आप लोगों को नीचे हिस्ट्री में देखने को मिल जाएंगे। लेकिन हमारे अकाउंट में अभी तक नहीं आया है, तो यहाँ पे देख सकते हो नो रिकॉर्ड फाउंड शो कर रहा है। तो इस वेबसाइट से आप लोग इजीली तरीके से ई श्रम कार्ड कर पैसे पहली किस्त 1000 रुपये आया है या फिर नहीं आया है, ये आप चेक कर सकते हैं। तो बस आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद है लाइक करना, चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना। तो दोस्तों मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में।